सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड CF। तो CF कैसे फाइंड करेंगे आज हम वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि CF का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, जब कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म पे हो, ठीक है, कैसा फॉर्म है, डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू वाई प्लस सू ऑन प्लस ई एन वाई इज इक्वल टू बी। ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर देंगे कि डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी, लेट कर लिया। ठीक है, और फिर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो डी क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ऐसे सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ये जो इक्वेशन है इसमें हम डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमको ऐसा करना होता है, ठीक है, हमको कोई इक्वेशन इस तरीके से दी होगी, ठीक है, यहाँ पर एन की कोई फिक्स वैल्यू होगी, हमको दी होगी क्वेश्चन। तो हमने डी बाई डी एक्स की वैल्यू डी क्यू रखी है क्योंकि हमें इसे एक ऑक्सिलरी फॉर्म पे लाना है, इसलिए यहाँ पर अगर हम डी की पावर एन रखेंगे, इसमें हम अगर डी रखेंगे तो डी की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, और वाई वाई को हम सब में देखो वाई आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइड में वाई कर लिया है। ठीक है, प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू बी। हमने सेम टू सेम एज इट कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पर जो है डी की वैल्यू पुट कर ली है। देखो डी की पावर एन है, इसका मतलब एन के जो कुछ रूट्स होंगे, ठीक है, एन रूट्स होंगे, तो एन रूट्स में हमारे रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल में हमारा सी एफ जो है डिफरेंट फार्मूला होगा और कॉम्प्लेक्स के लिए डिफरेंट फार्मूला होगा, लेकिन ये काफ़ी इजी है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं हमारा जब रियल होगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जब CF, तब हमारा CF क्या होगा, जब हमारा रियल होंगे और रूट्स इक्वल भी हो जाते हैं उसके लिए डिफरेंट आता है, या तो जब हमारा रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे तब हमारा CF क्या हो जाएगा, सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स प्लस सो ऑन सी एन ई की पावर एम एन एक्स। तो गाइज ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन के हद से आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस आप फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, तो सी एफ जब हमारा रूट्स जो है रियल और इक्वल होंगे तब का सी एफ क्या होगा, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स की पावर टू प्लस सो ऑन सी आर एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ई की पावर एम वन एक्स। ठीक है, अब जब हमारा सी एफ जो है रूट्स जो है इसके कॉम्प्लेक्स आएंगे तब क्या कंडीशन बनेगी, सी एफ इज इक्वल टू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। अभी ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस इलेवन डी प्लस सिक्स इंटू वाई। देखो डी हमारे यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, मतलब डी बाई डी एक्स का क्यूब हो रहा होगा। ठीक है, अगर हमारा उस टाइप में अगर हमारी वैसा कुछ क्वेश्चन फॉर्म बन रहा होगा तो हमको इसी ऑक्सिलरी फॉर्म पे इसे करना होगा। ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा हमको पहले से गिवन है, नहीं तो अगर उस वाले फॉर्म पे होता डी बाई डी एक्स के फॉर्म पे तो हम डी बाई डी एक्स की जगह डी रख लेते हैं। ठीक है, उस वाला उस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे तो एक ऑक्सिलरी फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डी को रिप्लेस कर देंगे एम से, और एम क्यूब प्लस सिक्स एम स्क्वायर प्लस इलेवन एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, बस ये पहला स्टेप है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, इसके रूट्स निकाले, हमने निकाल दिए एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एम एम फाइव एम प्लस सिक्स होता है इज इक्वल टू जीरो। देखो एफ एम प्लस वन कैसे हुआ, ये आप इसके रूट से निकालना आपको आते होंगे, क्यूब का जब भी हम रूट निकालते हैं तो कैसे निकलते हैं ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है स्कूल में। ठीक है, तो अब एम स्क्वायर प्लस फाइव एम का भी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके भी रूट कुछ ऐसे निकल गए, एम प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एम क्या क्या रूट निकले, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो जो हमारे यहाँ पर रूट दिख रहे हैं हमको, एक तो रियल दिख रहा है प्लस अनइक्वल भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो सी एफ था, हमने क्या लिया था, सी वन ई की पावर एम वन एक्स, तो हमारा एम वन क्या है, माइनस वन है, एक माइनस टू है, एक माइनस थ्री है, यही निकले हैं ना हमारे रूट्स। तो हम जो है एम वन की जगह माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री रख लेंगे, सेम एज इट इज कर लेंगे, बस इतना ही है। हमारा जो सी एफ है वो क्या निकल गया, सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस थ्री एक्स, यही है हमारा सी एफ, बस इतना ही करना था और काफ़ी ईजिली हो रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखो गाइज, अगर आपको टफ भी लग रहा है ना तो दो चार बार करने में ना ये बहुत ईजी लगने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
अब हम करने वाले हैं जब हमारा रूट्स जो है इक्वल होंगे तब की कंडीशन में क्या होगा। कॉम्प्लेक्स के लिए अलग वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।